गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी विल डू इन आवर ग्रामर द टॉपिक इज आर्टिकल्स आर्टिकल्स के बारे में बेटा आप पहले भी पढ़ा होगा कि देर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स एक होता है इनडेफिनेट जिसके अंदर हम ए एंड एन को यूज़ करते हैं सेकेंड है हमारा डेफिनेट आर्टिकल्स जिसके अंदर हमारा वर्ड आता है द तो इन आर्टिकल्स जो है हमारा जिसमें हम ए एंड एन यूज़ करते हैं मोस्टली uh, आपको टीचर्स ने बताया कि एन हम यूज़ करते हैं हमारे वॉवल साउंड्स के साथ जो पाँच वॉवल्स हैं हमारे ए ई आई ओ यू अब ये तो हैं हमारे वॉवल्स और इनके साथ आपको टीचर ने जब आप सेकंड क्लास में थर्ड में आए थे तो टीचर ने बोला था आपको जहाँ पर भी ये वॉवल्स के वर्ड्स दिखाई देंगे जिसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट इन पाँच वॉवल में से एक होगा तो आपने एंड लगाना है एंड बाक़ी जो हैं उनको हम जो बाकी हमारे अल्फ़ाबेट्स इन से अलावा जो हमारे अल्फ़ाबेट्स रह गई हैं उनको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट के साथ आपने यूज़ करना है ए वर्ड लाइक आई राइट विद अ पेन अब पेन क्या है पी क्या है हमारा कॉन्सोनेंट है क्योंकि ये वॉवल नहीं है पी अल्फ़ाबट जो है तो पेन के साथ हमने ए यूज़ किया इसी तरीके से है नेक्स्ट आई हैव एन ऑरेंज ऑरेंज में ओ जो है फर्स्ट अल्फाबट जो है वो हमारा ओ है इट मीन्स वो वॉवल है तो हमने उसके साथ एन लगाया तो ये तो आपने कॉमनली स्टडी किया है बट समर्ड्स बिगेन विद अ वैटर बट दे डोंट हैव अ वॉवल साउंड लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो शुरू तो हमारे वॉवल्स वर्ड अल्फ़ाबेट से होते हैं बट उनका जो साउंड होता है जब हम उसको बोलते हैं तो वो साउंड जो है वो वॉवल का नहीं आता इन सच केसेस उस केस के अंदर हम उसके साथ यूज़ करेंगे ए तो ये बहुत ज़रूरी है आपको हर एक वर्ड को बोलकर देखना है अगर वो स्टार्ट होता है हमारे वॉवल साउंड से तो हमने वहाँ पर एन यूज़ करना है अब ये थोड़ा सा ना ट्विस्ट आ गया है अब आल, आप वर्ड्स को बोल कर देखोगे लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको देती हूँ यूनियन यूनियन आप कहो कि मैडम यू जो है वो वॉबल्स है तो ये हमारा एन लगेगा बट यहाँ पर ए क्यों लगाया अब ए इसलिए लगाया क्योंकि यूनियन जब आप बोलते हो तो यू का साउंड आ रहा है, है आपका एंड यू मीन्स वाई ओ यू यू जब हम बोलते हैं तो वाई ओ यू इसका uh, वर्ड जब हम लिखते हैं तो यू हम वाई ओ यू लिखते हैं तो वाई जो है वो हमारा कॉन्सोनेंट है वो हमारा वॉबल नहीं है क्योंकि ये वर्ड हमारा स्टार्ट हो गया वाई से क्योंकि यूनियन यूनियन ठीक है इसी तरह से दूसरा है हमारा वन आइड मैन अब वन के साथ आप कहोगे मैडम हमेशा ए क्यों लगता है एन क्यों नहीं लगता है? क्योंकि वन ओ से स्टार्ट होता है ओ एन ई वन तो ओ जो है वो हमारा वॉबल है अब यहाँ पर भी ठीक हो आप लेकिन वन बोलो आप अब आपने बोल कर देखा लिखने में ओ एन ई वन है बट जब हम बोलते हैं तो साउंड आता है हमारा वन वन वा वॉक का साउंड जो आ रहा है तो इट मीनस वन डब्लू से स्टार्ट हुआ और W जो है वो हमारा है कंसोनेंट इसीलिए उसके साथ हम ए लगाएंगे तो अब से हमने ए और एन यूज करना है हमारे वर्ड्स को बोल कर देखना है अगर हमारे बोलने के अंदर उसके अंदर वॉवल का साउंड पहले आता है तो हम एन लगाएंगे अदरवाइज उसके साथ ए लगेगा ये थोड़ा सा ट्विस्ट है इसके अंदर ओके सम वर्ड्स बिगिन विद ए कॉन्सोनेंट इसी तरह से कुछ वर्ड्स जो हैं वो कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होते हैं अल्फाबेट से स्टार्ट होते हैं लेकिन उनका जो साउंड आता है वो हमारा पहले का आता है फॉर एग्जाम्पल है आवर 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 वन टू थ्री आवर है ना अब एन आवर लिखा हुआ आप देखोगे एन आवर मीन वन आवर के लिए हम वन न लगा के सीधा

स्टार्टिंग में हमारी आवाज़ जो मुंह खुल रहा है हमारा वो आ के साउंड से खुल रहा है आ एच के साउंड से नहीं खुल रहा है इसीलिए इसके साथ हमने एन यूज़ किया इसी तरह से है ऑनरेबल मैन तो ऑनरेबल में भी एच जो है साइलेंट है हमारा ओ साउंड से हमारा वर्ड जो है वो बोलना शुरू हो रहा है हमारा मुँह जो है वो ओ के लिए पहले खुलता ऑनरेबल इसीलिए इसके साथ भी हमने एंड लगाया एम पी एम यूज किया हमने लेकिन जब हम उसको प्रोनाउंस कर रहे हैं तो एम पी ए का साउंड आ रहा है तो हमने एंड लगाया इसके साथ भी तो ये तो थे हमारे ए और एंड को यूज़ करने का तरीका दूसरा भी जो ग्रुप है हमारा टाइप टू जो है हमारा है डेफिनेट आर्टिकल वी यूज द बिफोर काउंटेबल नाउ एज वेल एज अनकाउंटेबल नाउ द जो है द मोस्टली हम यूज करते हैं जब हम किसी के ऊपर फोकस कर रहे हैं प्रेशर डाल कर किसी के बारे में जब हम बताते हैं तो इट इज़ यूज व्हेन वी विश टू टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर नाउन पर्टिकुलर जिसके बारे में बात हो रही है उस नाउन के साथ हम द यूज़ करते हैं लाइक प्लेस पर्सन और थिंग अब द यूज़ कहाँ कहाँ पर करते हैं हम बिफोर सिंगुलर नाउन रेफरिंग टू अ स्पेसिफिक ग्रुप और क्लास फॉर एग्जाम्पल द किंग uh the school the hospital to before the name of the river beham the uskatehe like the ganga the nil before the name of the mountains be the himalayas the alps before the name of the holy book the ramayana the bible the quran before the name of the newspaper the times of india the statesman द दैनिक भास्कर जो आपके घर में आता होगा द पंजाब केसरी बिफोर द नेम ऑफ नेशनलिट्स रेसेस द जर्मन्स द हिंदूज द इंग्लिश द सिक्स नेशनलिटीज मतलब जो हमारी नेशनल जहाँ से हम बिलोंग करते हैं ठीक है बिफोर द नेम ऑफ सीज ओशंस आइलैंड गसेट्रा द अंडामान एंड एकोबार आइलैंड द पर्शियन गोल्फ द अरेबियन सी द पैसेफिक ओशंस इनके साथ भी हम द यूज़ करते हैं बिफोर द नेम ऑफ होटल्स मोनोमेंट्स बैंक्स म्यूज़ियम इनके साथ भी हम द यूज़ करते हैं बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव लॉन्गेस्ट बीच द बेस्ट होटल द मोस्ट ब्यूटिफुल वूमेन तो ये हमारे सुपरलेटिव डिग्री की जो एड्जेक्टिव है उनके साथ भी हम द यूज करते हैं बिफोर द हेवेनली बॉडी हेवनली बॉडी जैसे अर्थ मून सन जो सोलार सिस्टम है उसके साथ भी हम द यूज करते हैं बिकॉज जब हम सेंटेंस बोलेंगे तो हम मेनली इसी के बारे में बात कर रही तो वो सेंटेंस हमारा मेन फोकस चीज़ इसी पर है तो हम द लगा रहे हैं बिफोर द नेम ऑफ ट्रेन एयरलाइंस के साथ भी हम द यूज करते हैं बिफोर प्रनाउन अब किसके साथ हम यूज नहीं करते आपने कहा कि मैडम पर्टिकुलर नाउन के साथ हम द लगाते हैं तो हम रमेश के साथ क्यों नहीं लगाते सीता के साथ क्यों नहीं लगाते राम के साथ क्यों नहीं लगाते इसलिए क्योंकि ये जो है ये हमारे प्रॉपर नाउन है ये खुद के आप में ही स्टैंड है जब बात करते हैं रमेश की है मुंबई है खालसा है बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ भी द नहीं लगेगा एंड मटीरियल नाउन के साथ भी द नहीं लगेगा इन तीन के साथ हम द का यूज नहीं करते बाकी सबके साथ द का यूज होगा तो आई थिंक स्टूडेंट्स थोड़ा सा ये ट्विस्ट क्लियर किया होगा आपने ए एंड एन कहाँ पर यूज करना है और द कहाँ पर लगाना है इसी को ध्यान में रखकर आपने अपनी एक्सरसाइज करनी है ओके स्टूडेंट्स थैंक यू हैव अ गुड डे